अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू चैनल विद सर निसार अमन टेस्ट एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन आज हम क्लास नाइन के कंप्यूटर पेपर बुक के लग, बुक का चैप्टर नंबर वन के समरी और एम सी क्यूज आपको साथ शेयर करेंगे वो जो भी बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो मोस्ट रिपीटेड हैं तो किसी भी एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि एम सी क्यूज़ का पोर्शन उनको आना चाहिए ताकि मैक्सिमम वो मार्क्स गेन कर सके ट्वेंटी टू थर्टी मार्क्स कंप्यूटर के एम के आते हैं का पहला क्वेश्चन है ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन यानी कंप्यूटर क्या है और डिवाइस यहाँ डिवाइस है डेट परफॉर्मस प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करता है कैलकुलेशन करता है एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन जो उनको आप हिदायत देते हैं प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम कोई भी उसको सॉफ्टवेयर या कोई आप जो भी करते हैं सॉफ्टवेयर को देते हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वो जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उस पर वो प्रोसेसिंग करता है कैलकुलेशन करता है और उसके अलावा ऑपरेशन द एवाल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स इज़ जनरली डिवाइडेड इन थ्री एरियाज़ यानी एवॉल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के वो तीन इराज में उसको डिवाइड किया गया है एक है आपका मैकेनिकल एरा दूसरा इलेक्ट्रो एरिया तीसरा आपका है इलेक्ट्रॉनिक एरा तो फर्दर एक क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अब बता रहे हैं कि इराज जो है ना वो कौन कौन से इराज हैं फर्स्ट जनरेशन वो नाइनटीन फोटी से नाइनटीन फिफ्टी सिक्स तक सिक्स तक है तो फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी और इसके अलावा उसके साथ वैक्यूम ट्यूब्स हुए थे पहले जनरेशन में जो सेकंड जनरेशन जो है ऑफ़ कंप्यूटर्स नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू नाइनटीन सिक्सटी थ्री है उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी ट्रांजिस्टर्स उसमें, हुए थी। यूज़, हुए थी, उसमें यूज़ हुए थे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वो नाइनटीन सिक्सटी फोर है टू नाइनटीन सेवनटी वन था वो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड आई सी एस यूज हुए थे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वो नाइनटीन सेवनटी वन टू प्रेजेंट अभी तक जो है नाइन्टीन सेवेंटी से वो उसमें टेक्नोलॉजी और माइक्रो प्रोसेस यूज होते हैं ये फोर्थ जनरेशन अभी फिफ्थ जनरेशन के बारे में वो क्या है फिफ्थ जनरेशन आपका है कि उसमें कंप्यूटर्स जो फिफ्थ जनरेशन यानि अभी से लेकर यानी जो अभी का वक्त है प्रेजेंट हो तो, प्रेजेंट एंड बयान टेक्नोलॉजी यानी प्रेजेंट और बयान यानी आज और आज के बाद जो जनरेशन होगी उसमें फिफ्थ जनरेशन वो कहलाएगी और उसमें क्या यूज़ होगा उसमें आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ होता है जिस तरह आपको पता है आगे चल के आप कंप्यूटर जब आप आपके पास मास्टर्स की डिग्री अब कर लेंगे उसमें आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इसका इसका बड़ा स्कोप है मख्तलफ़ कैरियर्स में आपके आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो आ, मैंने बताया प्रेजेंट एंड ब्रिया वो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई उसमें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यूज़ हुई अगर कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इन पहली बात तो वो तो बाय जनरेशन इरा में तीन में थे वो फि फाइव में थे अब ये कह क्लासीफाइड इन थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू तो टेक्नोलॉजी अब ये याद रखना अगर अगर आप स्क्रीन में पूछते हैं अकॉर्डिंग टू तो टेक्नोलॉजी कितने में तो वो तीन में इरा वाइज वो फाइव में टेक्नोलॉजी लाइक टेक्नोलॉजी के हवाले से जो कंप्यूटर जो डिवाइड किए गए हैं वो एक तो एनालॉग कंप्यूटर से, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाईब्रॉड कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर्स आर फर्दर डिवाइडेड फिर डिजिटल फिर फर्दर उनको चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है वो कौन से हैं साइज़ लाइक सुपर कंप्यूटर्स फ्रेम कंप्यूटर्स मिनी माइक मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स तो इसी तरह नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर्स आर आइदर जनरल आर पर्पस आर स्पेसिफिक दो पर्पस है कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए एक जनरल पर्पस है और दूसरा स्पेसिफिक पर्पस है तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंट तो कैरियर्स आर प्रेजेंट इन द आईटी सेक्टर लाइक आई सेक्टर यानी जो कम्प्यूटर्स के जो क्वालिफाइड होते हैं यानी ग्रेजुएट होते हैं अगर आप ग्रेजुएट करेंगे कंप्यूटर के हवाले से आई में तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं इन फ्यूचर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं आप डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर वो बन सकते हैं वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं ग्राफ डिजाइनिंग डिज़ाइनर बन सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी टीचर बन सकते हैं नेक्स्ट है कंप्यूटर कॉन्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दो हिस्सों में यू ऑलरेडी नो डेट थिंग सॉफ्टवेयर इज़ दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स बिल्कुल सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शन होते हैं या प्रोग्राम होते हैं फर्दर क्या कंप्यूटर हार्डवेयर इज कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल पार्ट्स बिल्कुल हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स को कहते हैं नेक्स्ट है असिटम यूनिट इंक्लूड्स द मदरबोड सी पी यू सन्डर प्रोसेस यूनिट रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एंड अदर कम्पोनेंट्स अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक एम पे जो हम पढ़ेंगे देखिए अब पहला क्वेश्चन है ये मिड टर्म जो ये तो वैसे लिखा हुआ है तो चूज द राइट आंसर ये आपके एक्सरसाइज नंबर वन है यूनिट वन का एक्सरसाइज नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन है द डिवाइस डेट कन्वर्ट्स हार्ड कापी इंटू साफ्टॉपी इज उसको जो हार्ड कापी से सॉफ्ट कॉपी बनाता है उसको क्या कहते हैं प्रिंटर कहते हैं प्लॉटर कहते हैं स्किनर कहते हैं वो स्किनर है क्योंकि स्किनर से हम सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं क्वेश्चन नंबर टू द वोलाटाइल मेमोरी किसको कहते हैं इज ए परमानेंट यानी वोलाटाइल मेमोरी परमानेंट होती है द लूज कंटेंट्स एज ए पावर इज डिस्कनेक्टेड यानी जब पावर डिसकनेट वो ख़त्म हो जाता है पजेज लार्ज स्टोरेज या मैनेजर्स मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्स वॉलेटल मेमोरी हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होता है तो वो जब भी आप पावर जब ऑफ करेंगे तो आपका जो वॉलाटल मेमोरी है वो अब कंट्रोल से एस नहीं करेंगे तो वो सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा तो इसका कड़ा ऑप्शन है दो का जो है वो है बी नेक्स्ट क्वेश्चन मीडिया आर सारे है आपका बिजनेस सॉफ्टवेयर है एजुकेशन सॉफ्टवेयर है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है तो मीडिया प्लेयर्स ये एजुकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये करेक्ट ऑप्शन इसका सी है ये इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है क्वेश्चन नंबर फोर है यहाँ पर द प्रोग्राम डेट आर जनरल इंस्टॉल टू मैनेज एंड मेंटेन ओवरऑल कम्प्यूटर्स रिसोर्स तो इसको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइस ड्राइवर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, uh, uh, तो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओ एस इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है मॉडर्न लैंग्वेजेस आर कंपाइलर इंटरप्रेटर मॉडर्न लैंग्वेजेस उसमें हम यू जो यूज़ करते हैं वो कंपाइलर यूज़ करते हैं या बी इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं और सी कन्वर्टर यूज़ करते हैं डी असेंबलर यूज़ करते हैं तो फाइव का क्या ऑप्शन है बी इंटरप्रेटर क्वेश्चन नंबर सिक्स है अ कलेक्शन ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द सी पी ओ विन डेट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर लोकेशन इज कॉल्ड कंट्रोल बस डेटा बस मेमोरी बस आर एड्रेस बस क्या ऑप्शन है सी एड्रेस बस क्वेश्चन नंबर सेवन है द इन इन एक्सपेंसिव यानि जो महंगा नहीं होता एंड मोस्ट कामनली यूज कम्प्यूटर्स आर वो कौन से हैं सुपर कम्प्यूटर्स हैं मैन फ्रेम कम्प्यूटर्स हैं और मिनी कम्प्यूटर्स हैं या माइक्रो कम्प्यूटर्स हैं वो मैन मिनी कम्प्यूटर्स यूज हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट है द कंप्यूटर्स कैन नॉट स्टार्ट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स बिजनेस सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर्स देखें कंप्यूटर को जब भी आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है ना आपके पास विंडोज़ नहीं है कंप्यूटर का आप कंप्यूटर नहीं चला सकते करड ऑप्शन है, है वहाँ ए है ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्वेश्चन नंबर नाइन है ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस वाज डेवलप्ड इन जी जिसको कहते हैं जी यू आई कहते हैं जी जी यू आई डेवलप्ड इन कब हुआ था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हुआ था फोर्थ जनरेशन में हुआ था मैकेनिकल इरा में हुआ था इलेक्ट्रो मैकेनिकल इरा में हुआ था तो इसका कड़प्शन होगा नाइन का बी है ये फोर्थ जनरेशन इरा में हुआ था क्वेश्चन नंबर टेन है अ पर्सन हु यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप प्रोग्राम इसका कड़प्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कहते हैं ये थे आज की हमारी वीडियो वो, आपके आपको फायदेमंद है कि ये इंशाल्लाह हम इस क्लास नाइन के इस कंप्यूटर के तमाम एम अपलोड करेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़